2023 दिन रविवार अर्थात रंगपंचमी का त्यौहार। नमस्कार साथियों, आइए जानते हैं कि आखिर रंगपंचमी क्यों मनाई जाती है। सबसे पहला कारण जानते हैं कि जब हम होलिका दहन करते हैं तो होलिका दहन करने के साथ साथ हम देखते हैं कि उसकी जो लकड़ियां हैं वो बहुत दिनों तक जलती रहती है, लगभग 5 दिनों तक जलती रहती है। जब जल के वो शांत हो जाती है तो वातावरण भी शांत होता है और पॉजिटिव एनर्जी का उसमें संचार हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के संचार होने के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा जो रहती है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसी खुशी में हम रंगपंचमी का त्यौहार मनाने लगते हैं और मनाया जाता है। और दूसरा कारण ये भी है कि श्री कृष्ण जी ने राधा पर जो है रासलीला के बाद दूसरे दिन रंगों से गुलालों से राधा जी को रंगाया था और उन्हीं की इसी याद को याद करके रंगों का त्यौहार यानी कि रंगपंचमी मनाई जाने लगी और वातावरण में गुलाल और रंग उड़ाने का प्रचलन चालू हो गया। और इस दिन रंगपंचमी के दिन राधा के श्री कृष्ण राधा जी के बरसाने के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। यह दिन बड़ा ही शुभ है और पूरी तरह से देवी देवताओं को समर्पित है और इस दिन आप अपनी पूरी एनर्जी जो है लोगों के साथ रंगों के साथ व्यतीत कर अपने दिन को बहुत शुभ बना सकते हैं। और इसी के साथ आपको रंगपंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं।